हमारा नया संत है, नए संत यानी नए साल है हमारा कल। तो ऐसा करना बहुत गलत है। अगर हम मैं बताती हूँ आप सबको कि मैं कहाँ से होकर आई हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जा रही हूँ मैं घर में, और यहाँ पे बैठे है राखी। जरा बाय राखी, तुम लोगों ने भी आने बैठा था। तुम लोग कहाँ रहे? तो ये जा रहे हम लोग सारे घर में, मेरे बुआ और मेरे बुआ की लड़कियां नीलमा को बोल रही थी मैं, इधर देख ये शर्मा रही थी, और परे रावी को बोल रही थी मैं, इसको भी ये भी नहीं देख रही थी। तो ये जा रहे हम लोग सारे घर में। घर में और अभी आए के घर में, और यहाँ पे है हमारी छुगा चुना मकान का तानियो, इसका नाम है तनो तानियो। तो हेलो हेलो ते चारा, हेलो हेलो ते, हेलो हेलो हेलो। तो ये है गुड़ और गरी। तो इसके इसको कर रही हूँ मैं अभी छोटे छोटे पीस, क्योंकि कल हमारा नया संत है, नए संत यानी नए साल है हमारा कल। तो इसको लेते हैं हम लोग कल सुबह प्रसाद के रूप में। तो लोगों का मानना है कि अगर हम लोग जितना जल्दी सुबह उठकर खाएंगे उतना सही होता है। तो मिलती हूँ आप सबको सुबह इसी के साथ। तो मैं लूँगी मैं कल सुबह, तो मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए गुड नाइट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज के सुबह के 6, और मेरे ले रही हूँ और गरे। तो है गाइस, अभी पहुँच गई हूँ मैं खेत में, और अभी बज गए सुबह के 9। और क्योंकि गांव से चलने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए तो मैं बताती हूँ आप सबको कि मैं कहाँ से होकर आई हूँ। तो ये रहा ऊपर टावर, दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ से ये वाला रास्ता से होकर आई, ये ऊपर ऊपर वाला जो पहाड़ वाला रास्ता है, यहाँ से होकर आई मैं पूरा नीचे को, फिर यहाँ ऊपर से नीचे होकर आई, और फिर यहाँ ये वाला खेत है हमारे, ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये वाला खेत मम्मी ने कर लिया, अभी बाकी खेत रह गए बाकी खुदाई करने को। तो आज तो मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, और पहले दिन में ना बहुत ज़्यादा थकावट होती है, और जैसे हम लोग धीरे धीरे काम करते हैं ना, वैसी वैसी थोड़ी आदत सी हो जाती है। तो आजकल देख रही हूँ मैं सारे जंगलों में, कुल्लू बुंदर सारे जंगलों में आग ही लगा होता है। तो आग लगने की वजह है कि शायद जो लोकल लोग होते हैं वो आग छोड़ते हैं ताकि नए घास जल्दी उग सके। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा छा गया, कहीं इस साइड को आग लग गया है शायद से, तो उस वजह से पूरा अंधेरा हो गया है। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो ऐसा करना बहुत गलत है। अगर हमारे साथ करेंगे तो हम लोगों को कैसा लगेगा? तो ये कर रही हूँ मैं खुदाई, और बहुत ज़्यादा धूल पड़ रही थी तो मैंने पूरा खुद को ढक लिया है रुमाल से, और बहुत ज़्यादा रूढ़ पड़ गया है जिसको हम लोग लोकल में बोलते हैं, बारिश नहीं हो रही है और पूरा ज़मीन सख्त हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।